तो जी अस्सलाम वालेकुम, नए साल की नई सुबह बहुत मुबारक हो आपको। 2024 की पहली सुबह कनाडा की, और मैं हो गया हूँ उठने में लेट। इसका मतलब पूरा साल ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पिछले साल भी ऐसे ही गुजरा है तो ये तो आदत सी है। तो अच्छा जी, अब हम उठ गए हैं, थोड़ा लेट होते हैं, बाकी लोग नाश्ते के लिए चले गए। मैं ओवरव्यू दे दूँ रूम का, ये रूम जो हमने लिया ना बैग से जाके दूँ, ये इस पे हमने आज रात गुजारी। अब हम नाश्ता करने जा रहा हूँ नीचे, नीचे नाश्ता करते हैं फिर हम निकलते हैं अपना बैंस के लिए। तो फिर रेडी हो? अच्छा, नीचे जाने से पहले मैंने एक व्यू दे दूँ, मैंने कहा ये है होटल के बाहर की व्यू, क्योंकि तो फ्रंट साइड व्यू नहीं है हमारी, बैक साइड की है, तो उस तरीके का वो रोड फेसिंग नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये नीचे हमारी कार पार्क है, तो आइए चलते हैं नीचे, जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मौसम सही है, अभी वापस ऊपर आ रहे हैं, आज चलते हैं। वैसे लोग अच्छे लग रहे हैं, कल की आज की भी अच्छी लग रही है आपके भाई की। आज आउटफिटर की शर्ट पहनी है मैंने। चलो भाई लिफ्ट आ गई, दोनों एक साथ आई। मैं जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये मामलात है भाई। वो कल की वीडियो में रात को बड़ी मुश्किल से जाग के एडिट करके डाल दी थी, तो उस वाले ब्लॉग के में चेक करो, डे वन वाली। इसके बाद आज डे टू है। आज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो एडवेंटर है, लेकिन जो मैं जिस चीज़ से एक्साइटेड हूँ वो है मैं, तो आप भी उसी चीज़ की ये नाश्ते पे लाइन लगी पड़ी है भाई। जूस लेते हैं फिर खाना शुरू करते हैं। ये तो ये नाश्ता है, तो ब्रेड ले ली जाए, क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो हमने नाश्ता निपटा लिया है, अब यहाँ से बैग के लिए हम रवाना होंगे। थोड़ा सामान होटल में जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेना है, फिर सामान लेते हैं और फिर बैग लेकर। चलिए, तो पूल शूल इंजॉय करने के बाद ये फैसला हुआ है कि भाई क्योंकि 10 बज रहे हैं, अब शायद बैंफ ना जाया जाए। बैंफ के रास्ते ज़रूर जाएंगे, लेकिन बैंफ की जो खूबसूरती है पहाड़ से देख के ऊपर से, या चेयर लिफ्ट है, वो ना किया जा सके, क्योंकि 10 बज रहे हैं। अगर ऐसा किया तो कैलगरी और एडमंटन घूमने को नहीं मिलेगा, थोड़ा तो लेट हो गए तो उठने में। तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और मैंने होटल पूरा मैं विज़िट कर रहा था जाने से पहले, उन्हें देख लिया गाड़ी में बैठते हैं, और फिर अब कैलगरी घूमते हैं और फिर बैंफ के रास्ते घूमते हैं। ये मेरे पीछे आप देखो कैलगरी टावर।
जी कैलगरी का लुक, कैलगरी टावर का जो 626 बुलंदी से कंप्लीट आ रहा है। अब इसका ओवरव्यू ले रहा हूँ मैं कि वहाँ से तो देख लिया, यहाँ से वहाँ ग्लेशियर्स टाइप हैं, यहाँ बिल्डिंग्स हैं। तो हम घूम फिर के वापस आ गए, तो कंप्लीट लुक ले लिया हमने कैलगरी टावर का। अब चलते हैं कैलगरी डाउनटाउन घूमते हैं, जहाज भी जा रहा है तो कैलगरी घूम लिया हमने। अब कैलगरी से घूमने के बाद हम निकलते हैं बैफ के लिए, बैफ के लिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो क्या बैफ हम ऊपर ऊपर से चाहे शेयर लिफ्ट तक ना जा सकें। चाची तो आए कैलगरी टावर देखने के बाद, मुझे कमेंट में बताओ कि कैलगरी टावर आपको कैसा लगा। कैलगरी टावर देखने के बाद हम जा रहे हैं पार्किंग में, पार्किंग से कार उठाते हैं फिर निकलते हैं हम बैफ के रास्ते में। बैफ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, चेयर लिफ्ट में नहीं बैठ रहेंगे। कैसा लगा फान आपको कैलगरी टावर? 10 out of 10.5 तो आज का ब्लॉग मैं एडमिंटन में एंड कर दूंगा, फिर एडमिंटन फिर रियलिटी सीरीज खत्म हो जाएगी क्योंकि नेपालगंज के रास्ते मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो फिर डे टू दो दिन का ट्रिप है, तकरीबन 3 दिन हमें लग जाएगा, ब्लॉग 2 दिन का आएगा। तो फिर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अच्छा जी, तो बैंफ पहुंच गए हैं, बैंफ में हमने डाउनटाउन घूमेंगे अब। तो बैंफ का वाला कट हमसे मिस हो गया था जो चेयर लिफ्ट वाला है, तो अभी बैंफ का डाउनटाउन घूमते हैं। रास्ते आपने देखा होगा, अगर ये वीडियो बड़ी हो गई होगी तो जैसे मुझे लग रहा है तो डालने में भी अपलोड करने में मुश्किल होती है, तो मैं दो अपलोड पार्ट इसके दो कर दूंगा, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो ये वीडियो जो एंड करूंगा मैं एडमिंटन में करूंगा। तो आइए डाउनटाउन घूमते हैं। हम डाउनटाउन घूमने के बाद, छश के देखने के बाद जा रहे हैं एडमिंटन। एडमिंटन के रास्ते में ब्लॉग शायद लंबा हो जाए तो मैं पार्ट वन और पार्ट टू में डालूंगा। और डाउनटाउन बेसिकली एक ऐसे सेंटर ऑफ सिटी को कहते हैं जिसमें शॉप्स, बिल्डिंग और ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ लोग रहते भी हैं। अब हम ये एडमिंटन के रास्ते रवा दवा हैं, अब एडमिंटन पहुँच के ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा।